XUV700. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द कार ऑटो शो। XUV700 के अंदर 60% ऑफ हाई स्ट्रेंथ स्टील का यूज किया गया है, जो एक सेफ्टी केज के रूप में काम करेगा। महिंद्रा ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल्स पर ये पोस्ट करते हुए कंफर्म किया है। ऑटो बूस्टर हेडलैम्प्स का मतलब होता है, रात को जब आप ड्राइव करते वक्त 80 माइल की स्पीड प्लस करोगे तो यह कार अपने ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स को ज्यादा हाई पावर तरीके से और महिंद्रा ने ऑफिसी तौर पर यह बताया है कि इस सेगमेंट की सबसे बड़ी सनरूफ होने वाली है। अगर आप इस गाड़ी में बैठते हैं और इसके अंदर मिलने वाली है आपको इस सेगमेंट की सबसे बड़ी सनरूफ, तो आपको एहसास नहीं होगा कि आप एक कन्वर्टेबल में बैठे हो या फिर आप बैठे हो एक एसयूवी के अंदर। और अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि जब भी जिसको महिंद्रा ने स्काई रूफ नेम दिया है, ऑल्सो ये भी क्लेम किया है। और एक और इसके अंदर हाई इन कार वाला फीचर इसके अंदर आ सकता है, वो है ADAS। ADAS सिस्टम अपने आप सेंस करके ब्रेक्स को अप्लाई कर देता है, जिससे कि आप एक्सीडेंट से बच सकें, जो कि फर्स्ट सेगमेंट है और बहुत ही ज्यादा बेहतर होने वाली है ये SUV XUV700। और इसके अंदर आपको मेमोरी सीट्स का फंक्शन भी देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही ज्यादा हाईटेक है। और जैसे इसके अंदर नॉर्मल फीचर्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, इलेक्ट्रिक सीट एडजस्टेबल, फुट ग्लो बॉक्स, क्रूज कंट्रोल, नॉर्मल फीचर्स तो आपको इसमें देखने को मिलेंगे ही। और यह एक प्रॉपर SUV होने वाली है, इसके अंदर आपको फोर व्हील ड्राइव ऑप्शन जरूर मिलेगा, जो बहुत ही ज्यादा हाईटेक लगती है अपने इस सेगमेंट में। और इसके डोर हैंडल्स पे आप और इसके अंदर मिलने वाली है आपको मर्सिडीज की दिखने वाली एक बड़ी सी टच स्क्रीन, तो एक मर्सिडीज की तरह इलेक्ट्रिक एडजस्ट के लिए सीट्स के बटन्स भी देख सकते हैं, जो फर्स्ट इन सेगमेंट है। इसके अंदर मिलने वाले हैं आप इस एसयूवी के अंदर आपको रेंज रोवर वाले डोर हैंडल्स मिलेंगे, जो बहुत ही ज्यादा बेहतर लगते हैं इस सेगमेंट के अंदर। अगर आप इंजन के बारे में बात करें तो इसके अंदर आपको 2.2 लीटर का टर्बो डीजल मिलने वाला, जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसके अंदर आपको पावर मिलती है 180 bhp की पावर, और दूसरा 2 लीटर का M Stallion TGDI टर्बो पेट्रोल इंजन, जिसके अंदर आपको 200 bhp की पावर देखने को मिलेगी। और XUV700 की टेस्टिंग जोरों-जोरों से चल रही है। XUV700 को एक बार फिर से टेस्टिंग करते हुए देखा गया, मतलब कि XUV700 जल्दी लॉन्च होने वाली है। अब बताया जा रहा है कि XUV700 आपको जुलाई के एंड में या फिर अगस्त के स्टार्टिंग में लॉन्च की जा सकती है। और इस सेगमेंट में आने वाली Hyundai Alcazar के अंदर आपको 2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिल पाता है, जिसके अंदर आपको 153 bhp की पावर मिल जाती है, जो कहीं ना कहीं XUV700 की पावर से बहुत ही कम होगी। और वहीं दूसरी तरफ है टाटा सफारी और MG Hector और GP Compass, जिनके अंदर आपको 2 लीटर का टर्बोचार्ज डीजल इंजन मिल जाता है, जो Fiat सोर्सेस है, जिसके अंदर आपको पावर मिल जाती है अराउंड 170 bhp की। और XUV700 के अंदर आपको 2.2 लीटर का टर्बो डीजल इंजन मिलता है, जो कहीं ना कहीं इन तीनों गाड़ियों से कहीं ज्यादा पावरफुल है। और XUV700 के अंदर आपको 4x4 का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा, मतलब महिंद्रा अपनी गाड़ियों के अंदर 4x4 का ऑप्शन जरूर लेके आएगा, क्योंकि महिंद्रा की हर गाड़ियों के अंदर 4x4 का ऑप्शन जरूर आता है। इसके अंदर आपको मल्टीपल ड्राइविंग मोड्स भी देखने को मिलेंगे। इस गाड़ी के सेंटर कंसोल में आपको सैंड मड जैसे डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स भी मिलेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा हाईटेक लगता है, अच्छा है, कूल लगता है। और आपको कहीं भी इस गाड़ी को लेकर ऑफ रोडिंग करनी हो तो आप वो भी कर सकते हैं। और महिंद्रा XUV700 W601 कोड नेम पर बनने वाली है, जिस तरीके से टाटा ने अपना ओमेगा आर प्लेटफॉर्म बनाया है, उसी बेस पे टाटा की सफारी और हैरियर बनी है, उसी बेस पे महिंद्रा अपनी XUV700 को बनाने वाली है कोड नेम W601 पर। और कहीं ना कहीं महिंद्रा ने XUV700 को मर्सिडीज और BMW से इंस्पायर होकर इसको काफी ज्यादा हाईटेक तरीके से दिखाया है और बना भी लिया है, जो कि फर्स्ट इन सेगमेंट होने वाली है। अगर आप एक 7 सीटर SUV लेना चाहते हैं तो आप बस कुछ दिनों रुक जाइए, क्योंकि ये जल्दी ही लॉन्च होने वाली है, ये जुलाई के एंड में या फिर अगस्त के एंड में लॉन्च हो सकती है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही।